किसान भीरो मैं हाँ गुरलाल सिंह ते तुसी देख रहे हो चढ़दा पंजाब टीवी साड़ी खेती साड़ी विरासत। किसान भीरो गल करांगे अज नरमे बारे। नरमे दे विच दिन प्रतिदिन नवीं समस्यावां दा जिहड़ा ओह सामना करना पै रहा है। दिन प्रतिदिन असीं देखदे हां कि नवें नवें तरहां दे रोग आ जो नरमे दे विच आ रहे हैं। तां पिछले कुछ दिनां दे विच काफ़ी शिकायतां आ रहियां सी भी टींडे दा एक भाग है जिहड़ा एक फुट्टी उह गली मिलदी है, कोई टींडे 'च मोरी नहीं है, कोई टींडे 'च सुंडी नहीं दिखाई दिंदी। तो इस चीज़ में जो पूरा स्टडी किया तो ये बारे जिहड़ा एट लास्ट आप एक पॉइंट पर पहुंचे भी कारण की है। ये तो किसान भीरो बड़े ध्यान ना वीडियो सुनो यार, हर नरमे वाले किसान तक जरूर पहुँचा दो, क्योंकि अज आप की होंगे नरमे चाने टिंडा तोड़ते हैं, जदों टिंडा आप एक फुट्टी गली दी है आप झट देने सुंडी के सिर लांबा ला के तो वापस हो जाने भी सुंडी है, पर सुंडी नहीं है। सुंडी के नाल नाल पिछले सालों का जी बीमारी नरमे के उत्तर भारत देखने मिल रही है, यदा नाम है बॉल रॉट फंगल है, एक फंगस है, कई तरह दियां फंगस हैं उन्होंने समेल तो यह बीमारी है जी शुरू होंदी है। कई तरह दियां फंगस हैं जिहड़ियां इकट्ठियां होकर तुहाडे जिहड़े नरमे ते वो अटैक कर दियां। मेनली इहदे च इक देखो तुसीं गौर करो जिहड़े टींडां दे विच इह तुहानूं एक फुट्टी गली मिलेगी वह टींडा थोड़ा जिहा बिंगा शेप बिंगी भी हो सकदी है, उहदे 90% चांस रहिंदे आ वी शेप बिंगी होगी, उत्तों टींडा साफ सुथरा जां छोटे मोटे किते स्पॉट मिलणगे। हुण हुंदा की इहदे विच इह जिहड़ी फंगस हैगी ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀੜ ਮਕੌੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟਿੰਡਾ ਡੰਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਸ ਫੰਗਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਗੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अंदर जाके की करती है वो लिंट से वो बीजा से उत्थे जाके आपका फला करती है, तो टींडा तुम एंड वाली स्टेज पर देखोगे उस जी फुटी है थोड़ी पूरी पिलपली हो पानी की मात्रा जी टींडे के अंदर है वो बढ़ जाती है, तो टींडे का एक पासा जोड़ा वो गलिया पै मिलता है। ज़्यादा पानी पाने नाल लिंट खराब हो जाते हैं, बीज खराब हो जाते हैं, तो जी यदि फंगस हैगी अटैक करती है तो टींडा तुम्हें गलिया मिलता। हूँ इनू आप इतने सुंडी के सिर ला दें भी सुंडी है, सुंडी नहीं है, गौर ना देखने वाली चीज़ है। सुंडी भी तुहानूं दसांगे, सुंडी वाला टींडा हो सकदा पूरा गोल रहे पूरा हार्ड भी रहे पर उहदे विच सुंडी होवे। इह टींडे दीआं थोड़ी जिही निशानियां भी कितों ना कितों इह तुहानूं थोड़ा जिहा इहदी शेप दे विच आकार दे विच कुछ चेंज जरूर आऊगा, क्योंकि इहदी इक फुट्टी मर जांदी है। जां कई वारी गोल भी टींडा हुंदा ते इहदी डंडी तक जिहड़ी हैगी आ पिछे नूं भी उह जिहड़ी कालसा के धब्बे बण के जाणे शुरू हो जांदे आ। इस फंगस दे आउण तों बाद छोटे छोटे जिहड़े गोल धब्बे आ डूंघे लाल रंग दे उह तुहानूं उपर दिखाई दे सकदे आ, उस तो बाद बड़ा जिहड़ा आपदा आकार धार लैंदे आ, ते कई वारी ये टींडे आ जिहड़े बिना खड़े थले भी डिग पैंदे आ, टींडा खिड़दा नहीं है पर टींडा तुहाडा थले डिग पैंदा गा। तां इह इक फंगस है, इहनूं पूरे ध्यान नाल देखना क्योंकि बिल्कुल नवीं जानकारी है हाले तक इहदे बारे आपां, क्योंकि सुंडी ते ध्यान आ कल्ला आपां सुंडी वाले पास ही जा रहे हैं, किसी भी वीर ने हाले तक इहदे बारे नहीं सोचा जां नहीं देखा। असीं भी काफ़ी दिनों तों इहदे मत्था मार रहे हैं, अज फाइनली जिहड़ा ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੌਲ ਰੋਟ ਨਾਂ ਦੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਸੂਬੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਤੇ ਨਰਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੰਡੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਾਅ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਬਲੂ ਕਾਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਸਟੈਪਟੋਸਾਈਕਲਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਲ ਆ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਪਰੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਿੰਡੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਟੈਕ ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇਅਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੰਡੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਟੋਕਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਿੰਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੁੰਡੀ ਚੁਲਜੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।